आज ऑसिलेशन के लेक्चर 3 में आज की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी फोर्स लॉ इन SHM की। दूसरी आज बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड की, और तीसरा एनर्जी इन। तो फोर्स में हम जानेंगे कि न्यूटन का लॉ आखिर कैसे काम करता है, किसी भी ऑसिलेशन में हमारी कैसे मदद करता है। तो आज फर्स्ट कंसर्न वही रहेगा, एक्सेलरेशन को और फोर्स की डिटेलिंग समझेंगे, उनका रिलेशन समझेंगे, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझेंगे और क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो देखेंगे। सेकेंड, कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वो आज के लेक्चर में जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टाइम को निकालने का। और तीसरा, एनर्जी के ऊपर डिटेल चर्चा होगी कि SHM करते पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे काम करता है, आज उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये तीन चर्चाएं हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स लॉ के साथ इन SHM के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आज फोर्स लॉ ऑफ फॉर SHM की, यानी SHM में फोर्स का लॉ क्या है। तो अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ को देखें तो आपको पता ही है न्यूटन सेकेंड लॉ, कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है वो मास और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये सप्लीमेंट है वैसे तो फोर्स सेकेंड लॉ था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, लेकिन फाइनली फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ का आउटकम क्या आता है, मास इनटू एम किस चीज़ के इक्वल है, फोर्स के। तो आई होप कि ये सबको क्लियर है। अब अभी जब हम लोगों ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात की थी तो याद है आपको कि सपोज अगर एक्स साइन का फंक्शन है और ए नॉट साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी कितनी आई थी, तो ए नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आप सबको ध्यान है। और फिर एक्सेलरेशन कितना आया था, ए, तो माइनस ए नॉट ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए थी। लेक्चर नंबर 2 में मैं इन दोनों का प्रूफ कराया था, इनके बारे में बहुत डिटेल चर्चा हो गई थी। ए नॉट साइन ओमेगा टी को आप एक्स भी कह सकते हैं, यानी ए नॉट साइन ओमेगा टी को आप एक्स भी कह सकते हैं। तो ए का फार्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन का सबसे खूबसूरत फार्मूला जो आई होप आपको ध्यान है। तो ये चारों फार्मूलाज उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान होगा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का जो फार्मूला होता है वो एम ए के इक्वल है, और यहाँ SHM के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन आई है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो आप इसी फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू एम और ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और उसका माइनस साइन पहले आ जाएगा। तो आपने ये देखा है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर फोर्स आ गई। अब यहाँ से एक बात पता लगती है, जैसे आपने यहाँ देखा था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन द सेम वे आप फोर्स के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि इन SHM फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक्सेलरेशन कहिए या फोर्स कहिए एक ही बात है, लेकिन अब फोर्स में माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो सकता है क्वेश्चन एक्सेलरेशन पूछा जाए या हो सकता है फोर्स पूछा जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको लगाना ही है। तो आई होप कि ये तीनों इक्वेशंस और फोर्स लॉ में एक इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी नेगेटिव ऑफ एक्स के। अब एक और कहानी है जो कहीं ना कहीं आपको क्लियर है। एक तो कहानी होती है फिजिकस टू एम ए की, अब क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा हुआ है वो एक्स के अपोजिट लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये फोर्स किस चीज़ का काम कर रहा होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल एक तरफ मेन पोजीशन से एक तरफ जा रहा है तो ऑसिलेशन के थ्रू SHM होने वाला है, तो वो एक तरफ जा रहा होगा तो 100% ये जो फोर्स है वो उस मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट काम कर रहा होगा। यानी कि ये फोर्स काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई पार्टिकल मीन से दूसरी तरफ जाएगा जाएगा तो ये फोर्स उसे रोकेगा, एक टाइम पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा फिर ये वापस लाएगा, फिर जैसे ही मीन से दूसरी तरफ जाएगा फिर से रिस्टोर करेगा। सेंस ये है कि ये फोर्स किसका काम कर रहा है, रिस्टोरेशन का काम कर रहा है, यानी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको रिस्टोरेशन कॉन्स्टेंट के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको हटाऊँ और आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ। अब आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो वी नो दैट, आप जानते भी हैं, आप इसको मेंशन कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में, कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स
खासकर स्प्रिंग में आपने इसको पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग के अंदर एक जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है वो माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगाते हैं, इसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हो या फिर इसी को इलास्टिक यानी कि रिस्टोरेशन कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। तो रिस्टोरेशन कांस्टेंट ये है, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, क्योंकि दोनों ही रिस्टोरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, क्या k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस इक्वेट करें x x कट जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाई m। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट कहानी खुलती है, लेकिन उस कहानी से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, ज़्यादातर क्वेश्चंस तो इससे बनते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही बेसिक सा, ये जो देख रहे हैं आप, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एफ एक्स। अब इससे ही क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2022 में, मैं उसी को डिस्कस कर देता हूँ एक बार हटा करके यहाँ। बाकी ये दोनों तो आपने नोट कर ही लिया, इसका आपको ध्यान रखना है और इस रिलेशन पे तो वर्कआउट करेंगे ही। अब इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले ग्राफ बेस्ड। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार हटा करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है और आप समझ भी रहे हैं, जैसे लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग रिप्रेजेंटेड एज। अब आपको पता ही है कि जब भी कोई ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच होगा तो ये वाली रिलेशन काम करेगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एफ इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ एफ रिस्टोरिंग फोर्स है और कहीं ना कहीं स्प्रिंग के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ एक्स के। तो अगर एक्स की सिंगल पावर है तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये भी आपको पता है। अब स्ट्रेट लाइन के ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएंगे, ये तो स्क्वायर टाइम्स होता है आपको पता ही है। अगर ये सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन लगेगी, अगर पैराबोलिक ही है, नेगेटिव पैराबोला है, तो कहीं ना कहीं वाई माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों तो पहले ही कट हो गए, क्योंकि एक्स के सिंगल पावर है तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब ये हो सकता है और ये हो सकता है, इस तरफ भी एफ है और इस तरफ भी एक्स है। अब क्या है, x के नेगेटिव में है, यानी स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब फर्स्ट वन, ये तो पॉजिटिव स्लोप के लिए होता है जब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, और जब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x होगा तो ऐसा ग्राफ बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। ये 22 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बड़ा ही बेसिक सा है, ऑसिलेशन की बेसिक बात यहाँ लग रही है। वैसे भी अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है स्प्रिंग ना लेके कोई और दे दे और SHM वर्ड यूज़ कर दें, तो स्प्रिंग जब SHM हो रहा होता है तो x की सिंगल पावर ही लगती है। तो ग्राफ हमेशा फोर्स का हो या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ हो, बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन, और नेगेटिव स्लोप रहेगा तो नेगेटिव में ही जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करना है। तो फोर्स लॉ बेसिकली लिंक्ड है अदर चीज़ों का, पहली चीज़ आपको वही फोर्स में रिस्टोरेशन का याद दिलाना है, और फिर उसको एम ए और एक्सेलरेशन की वैल्यू रख करके जो आई है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM, तो उनका टाइम पीरियड कैसे निकालें, उसमें ये फार्मूला बहुत काम करेगा। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम याद रखिएगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और उसके बाद हम फिर एनर्जी बात करेंगे। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए जो बेसिक कहानी है वो पहले समझ लेते हैं, फिर जब हम अलग अलग SHM की डिवाइसेस के डिस्कशन करेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम है, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जैसे यूट्यूब है, जैसे कि टनल के अंदर मूवमेंट है, तो जितनी भी SHM वाले परफॉर्मिंग बॉडी हैं उन सब के टाइम पीरियड की बात करेंगे, लेकिन उनका फाउंडेशन फार्मूला ये है, इसलिए इसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए एक बार इसको हटाता हूँ और टाइम पीरियड की शुरुआत करते हैं। सो आपने अभी फोर्स लॉ से ओमेगा स्क्वायर को सीखा है कि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के इक्वल होता है, जहां के को आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं अगर स्प्रिंग वाला ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसी को रिस्टोरेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। मतलब देखा जाए तो अगर स्प्रिंग रिस्टोर कराता है तो उसके कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहे हैं, तो अगर कोई और ऑब्जेक्ट होगी और वो रिस्टोर कराएगी तो उसका जो रिस्टोरेशन कांस्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ लगा रहे होंगे। ऐसे ही मास क्या है, आप m को तो जानते ही, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक तरीके से देखा जाए तो मास किस चीज़ को रिफर करता है, तो आंसर इज इनर्शिया को। मास से क्या होता है, इनर्शिया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से एक तरफ जा रहा है तो जितनी ज़्यादा मास होगी वो उतनी दूर तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका टाइम पीरियड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये मास है, मास मेंटेन कराने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ वापस आ रही है तो अगर उसमें इनर्शिया नहीं होगी तो मेन पोजीशन पर रुक जाएगी, इनर्शिया की वजह से ही तो वो दूसरी तरफ चली जाती है।
तो फिर दूसरी तरफ जैसे ही जाना शुरू करते फिर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, इलास्टिसिटी काम करती है, फिर वो वापस आता है, यानी मास मेंटेन कराने में हेल्प करता है। और मेंटेन कराने के लिए जैसे ही वो दूसरी तरफ जाता है, अब काम आता है रिस्टोरेशन फोर्स का, यानी कि एक तरीके से समझे इलास्टिसिटी का, जो उसको रिस्टोर करा रही है। तो इलास्टिसिटी भी चाहिए रिस्टोरिंग के लिए और मास भी चाहिए उसको दूसरी तरफ चले जाने के लिए। दोनों ही फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है। यानी मास रेफर करता है इनर्शिया को और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या रिस्टोरेशन कॉन्स्टेंट डील करता है इलास्टिसिटी को। तो दोनों ही फैक्टर, इसको आप इलास्टिक फैक्टर भी कह सकते हैं और इसको इनर्शियल फैक्टर भी कह सकते हैं। यानी एक तरीके से ओमेगा स्क्वायर इलास्टिक फैक्टर और इनर्शियल फैक्टर के रेशियो के ठीक बराबर है। तो अगर ओमेगा स्क्वायर ये है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट में के बाई एम, रूट में के बाई एम। यानी ओमेगा एग्जैक्टली इक्वल है कौन कौन से फैक्टर के, तो आंसर इज इलास्टिक फैक्टर के और दूसरा कौन सा, इनर्शियल फैक्टर के। ये वाला टर्म आपको याद रखना है, इनर्शियल फैक्टर के। तो एक तो ये रहा, अब बेसिक बातचीत तो आपको समझ आ गई। अब कहानी क्या है, अब मान लीजिए टाइम पीरियड निकालना हो तो ओमेगा इज इक्वल टू, आपको पहले से पता है 2π/T। वैसे ओमेगा θ/T होता है, एक साइकिल के लिए थीटा 2π है, तो एक साइकिल का टाइम भी टाइम पीरियड है तो 2π/T। तो या तो आप टोटल एंगल बाय टोटल टाइम लें या फिर एक साइकिल का एंगल अपॉन एक साइकिल का टाइम ले लें। तो ओमेगा का फार्मूला 2π/T है, तो ऐसे में टी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टी इधर आ जाएगा, ओमेगा इधर, यानी टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है √K/m, आप यहाँ पुट करेंगे और टाइम पीरियड आ जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी लगी, समझ आया कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली बात आपने नोट कर ली है, ये वाली चीज़ भी आपने नोट कर ली है, इससे शुरुआत करेंगे जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक बार इसको हटा दूँ मैं। सो टी इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा 2π/ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है, √K/m। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा रूट डिवाइड बाई √K/m। अब इसको आप चाहें तो रेसिप्रोकेट कर लें, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा √2π/√m/k। इम्पॉर्टेंट बातचीत। अच्छा, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो फ्रीक्वेंसी में यही रिलेशन रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/2π/√k/m। आई होप आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों के फॉर्मूला पता लगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। यानी किसी भी पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हुआ, तो आप ध्यान देखें, इनर्शियल फैक्टर अपॉन रिस्टोरिंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर, तो यहाँ पे इनर्शियल फैक्टर आ गया और यहाँ क्या आ गया, रिस्टोरिंग यानी इलास्टिक फैक्टर, इलास्टिक फैक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब जो भी केस आएगा, यहाँ तो हमने टाइम पीरियड के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला निकाला है, अब एग्जांपल या फिर डिवाइस वाइज जो डिवाइस SHM परफॉर्म कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इस कहानी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये प्राइमरी फार्मूला है, इसको एक दो चीज़ों से और लिंक कर सकते हैं आप। जैसे आपको याद हो आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा −ω²x और रिस्टोरिंग कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में −kx, दोनों को कंपेयर किया था, तो आपको याद ही है कि यहाँ से m ω² x कहीं ना कहीं kx के ठीक बराबर आया। तो मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं m ω² x है और कहीं ना कहीं kx है, जिससे कि ओमेगा स्क्वायर आपने सिंप्लीफाई करके m/k निकाला। अब यहाँ एक और कहानी आपको समझने की है, बहुत छोटी सी है, बहुत डिटेल में। इसका तो रूट आप समझ गए, अब दूसरा एक और कहानी यहाँ समझिए, जरा मैं इसको हटा दूँ। आई होप पहले आपने देख लिया, टाइम पीरियड आपने नोट कर लिया, फ्रीक्वेंसी नोट कर ली और ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया। अब यहाँ से एक और लिंकिंग हमें करनी है, लेकिन उस लिंकिंग से पहले आपको ये सारा फार्मूला क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपने इसको क्लियर कर लिया है। अब मैं इसको हटाता हूँ और एक और लिंक बताता हूँ। सो लिंक ये है कि जब आपने f = m ω² x लिखा था, अगर उसकी जगह आप लिख दें f = ma और इसको कंपेयर कर लें f = kx से, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में ही है, x भी नेगेटिव में है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का कंपेयर करें तो ma की एग्जैक्ट वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, km के बराबर है, मतलब ये भी रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी। बस मैंने m ω² x को a की वैल्यू पुट नहीं करी, बाकी सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्म में रखा और मैग्नीट्यूड f का kx के बराबर किया, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जाए तो ma की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल होगी, kx के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे में m/k की वैल्यू
क्या एम बाई के, एम बाई के का मतलब के इधर आया तो के इधर आ जाएगा, क्या एक्स बाई ए के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ये लिंकिंग भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार लिंकिंग है, यानी एम बाई के कहीं ना कहीं एक्स बाई ए के इक्वल होता है। तो क्या यहाँ टाइम पीरियड को निकालते वक्त जो एम बाई के है, क्या उस फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई ऐसे भी किया जा सकता है, टू पाई एक्सेलरेशन यानी ए बाई एक्स। अगर आप ध्यान देखें एम बाई ए, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, इसको लिखना है एक्स बाई ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, टी इज इक्वल टू 2π√x/a। तो अब हमें एक और फार्मूला पता लगा, इसे आप फर्स्ट फार्मूला कह सकते हैं, इसे आप सेकेंड फार्मूला कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड का जो सेकेंड फार्मूला पता लगा है वो पता लगा है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो आई होप कि आपको ये दोनों फार्मूलाज क्लियर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है टाइम पीरियड का। अब इन्हीं दोनों फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और जैसी जैसी डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे, स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम, उन सब में या आगे और भी बहुत होंगे, उन सब में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। साथ में आप ध्यान रखेंगे ये इनर्शियल फैक्टर और ये रिस्टोरिंग यानी इलास्टिक फैक्टर, इससे एंगुलर SHM हो, लीनियर SHM हो, केस हो, उन सब में इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। तो आई होप कि एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। सो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड को समझने के बाद आपको ये तो पता लग गया कि अगर मास और इलास्टिक कॉन्स्टेंट के गिवन हो या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन गिवन हो तो दोनों से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। अब टाइम पीरियड मेनली निकालना होगा तब जब हम लोग सम डिवाइसेस एग्जीक्यूटिंग SHM करेंगे इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में, तो वहाँ डिवाइसेस की चर्चा करेंगे, तो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग टाइम पीरियड होगा। लेकिन कई बार टाइम पीरियड वैसे भी पूछा जा सकता है जिसमें सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन या इनकी हेल्प लेकर के निकालना हो। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM और इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन में से अकाउंट होता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ जाए तो ऑब्वियस है कि कुछ कंपैरिजन जैसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो आपको याद है, मान लिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको याद है, x इज इक्वल टू ए नॉट, कोई सा भी ले लीजिए, सपोज साइन वाला ले लेते हैं तो साइन वाला ले लीजिए, साइन ओमेगा टी। अभी क्या होगा अगर ए नॉट साइन ओमेगा टी एक्स की वैल्यू है और वेलोसिटी की वैल्यू आपको याद है कितनी, ए नॉट ओमेगा, अगर ये साइन में है तो वो कॉस में लिख सकते हैं आप, और ऐसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू ए नॉट ओमेगा स्क्वेयर और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो उस वक्त ये वन होगा, वन होने का मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, तो आंसर इज ए नॉट हो गई। ऐसे ही अगर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी, तो वी मैक्स का मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा ए नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा, पता ही है। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए ए मैक्स, तो यहाँ माइनस साइन भी रहेगा, तो माइनस से नहीं मगर वैल्यू वाइज पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। ये तीनों की मैक्सिमम वैल्यूज हैं। अगर मान लिया अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे रखी है, लाइक इसकी वैल्यू दे दी इन लोगों ने कितनी, इसकी वैल्यू दे दी वेलोसिटी की वैल्यू दे दी बीटा और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी अल्फा, ऐसा दे दिया, और मान लो आपसे पूछ लिया कि टाइम पीरियड बताओ, तो आपके पास ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। अगर आप सोचिए आपके पास है ओमेगा टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू बीटा और आपके पास है ओमेगा स्क्वायर ए नॉट या ए नॉट इसकी वैल्यू है अल्फा, मैं मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहा हूँ प्लस माइनस का नहीं। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ए नॉट से ए नॉट गया, ओमेगा से एक पावर ओमेगा गया, यानी वन बाई ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी, तो आंसर इज बीटा बाई अल्फा। आई होप आपको क्लियर है कि ए मैक्स की वैल्यू और वी मैक्स की वैल्यू का आपस में डिवाइड कर दिया तो ये कहानी आ जाएगी। अब ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 2π/T, टी ऊपर आ जाएगा यानी T/2π = β/α। तो 2π को आप राइट साइड ले जा सकते हैं यानी T = 2π β/α। तो आपने देखा कंपैरिजन मेथड से भी टाइम पीरियड निकलता है। तो सेंस ये है कि आप इन इस बेसिस पे भी ऐसे क्वेश्चंस, इसको थोड़ा ठीक कर दिया प्रॉब्ली अब विजिबल है। तो मैं आपसे ये कह रहा था
कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा एम के या ए एक्स दिया हो, कई बार कंपेयर करके भी टाइम पीरियड निकालना हो सकता है। तो जब कंपेयर करेंगे उससे ओमेगा आएगा, ओमेगा के आगे इक्वेशन इक्वेट करनी है, और फिर ओमेगा से टाइम पीरियड निकालने का तरीका आपको पता ही है। तो ये 2015 का एक खूबसूरत क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों बातें आप समझ गए, वैल्यू वाइज एम के और एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट या फिर कंपेयर करके, ये तीनों तरीके से टाइम पीरियड निकालना आपने सीख लिया। तो ये रही टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डिटेल डिस्कशन होगी अलग अलग डिवाइसेस से, वो आगे बाकी है जिसमें हम लोग पीरियड्स का SHM परफॉर्म करेंगे, जो भी डिवाइसेस होंगे उनका पीरियड भी निकालेंगे यानी टाइम पीरियड निकालेंगे, और उनको SHM भी प्रूफ करेंगे, वो अलग से लेक्चर रहेगा। लेकिन अभी आपने बेसिक सीख लिया, अब बेसिक के आखिरी में वक्त है एनर्जी को डिस्कस करने का, क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और सारी चीज़ें, फोर्स की डिस्कशन के बाद आखिरी डिस्कशन किसकी होती है, एनर्जी की। तो यहाँ भी आपने SHM करते पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, फ्रिक्वेंसी पढ़ी, तो अब बचा क्या, एनर्जी। एनर्जी पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म, उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट रह जाएगा, हालांकि एप्लीकेशन में भी काफ़ी कुछ लर्निंग है। तो आइए इसको हटाता हूँ और लास्ट लेक्चर, लास्ट कंटेंट की बात करते हैं, एनर्जी इन SHM। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं एनर्जी की, एनर्जी इन SHM की। अब कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो एक सर्टेन लेवल पे वो बहुत तेज चल रहा होता है, फिर एंड में जाके वो ज़ीरो हो जाता है। तो जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड में जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, फिर वापस आता है तो बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी देखा जाए तो यहाँ दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का ऑसिलेशन हो रहा होता है वक्त के साथ। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक हमारे पास स्प्रिंग है और उसका ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, और फिर कंप्रेस हो रही है यहाँ तक आ रही है। तो जब वो मान लिया यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से जाता जाता जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन मैक्सिमम एलोंगेशन में, मैक्सिमम एक्सपेंशन में होगा तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम। ये मेन पोजिशन है, जब वो यहाँ आएगा तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ज़ीरो है, तो अगर ज़ीरो कंप्रेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तभी तो ये इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ जाएगा, यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। एंड में आके फिर से जब हाईली कंप्रेस स्टेट आ जाएगी तो वहाँ वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। सेंस ये है कि कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो उसमें एनर्जी का भी ऑसिलेशन हो रहा होता है, काइनेटिक और से पोटेंशियल का। अगर मैथमेटिकली थोड़ा सोचें तो आपको पता है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, अगर पी की बात करें तो उसका फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इस पोटेंशियल एनर्जी को, पी को, एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, हाफ के, आपकी चॉइस है आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं, कॉस या साइन, कोई सा भी ले लीजिए। सपोज कॉस के फंक्शन में चल रही है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट कॉस ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, हाफ के ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये तो रही पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब आप इसको मास के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, सपोज इसका मास एम है तो आपने अभी रिलेशन पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो के इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला बन सकता है, और वो बन सकता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप आपको क्लियर है। साइन के फंक्शन में होता तो यहाँ साइन आ जाता। तो ये रही सिंपली क्या, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो कहाँ से ये फॉर्मूला आया, कैसे आया, ये आपको प्रूव हुआ, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो चाहे स्प्रिंग मॉडल हो, चाहे सिंपल पेंडुलम हो, वहाँ भी एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर सिंपल पेंडुलम ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है तो वहाँ भी ये फॉर्मेट ऐसे ही आ जाता है। MGH को, हाइट को, अगर आप पेंडुलम वाले एल माइनस एल कॉस थीटा करें फिर उसके रिस्पेक्ट में सोचें तो लास्ट में ये रिलेशन आ जाता है। तो SHM चाहे कैसा भी हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट में पोटेंशियल एनर्जी
डराइव किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कैनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर एक्स कॉस का फंक्शन है तो वी साइन के फंक्शन में आ जाएगा। मैं इसको एक बार हटाता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी भी दिखाता हूँ, सॉरी कैनेटिक एनर्जी दिखाता हूँ। सो कैनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप वी स्क्वायर वी की वैल्यू देखें तो अगर एक्स कॉस का फंक्शन में होता तो वी साइन में आ जाता है, यानी हाफ एम, और साथ में आ जाएगा ए नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर आपने एक्स को साइन में लिया होता तो ये कॉस में आ जाता, एक ही बात, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं। आप तो जैसा एक को चूज करते हैं उसी के फ्रेम में। तो फिर कैनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, तो आंसर इज हाफ एम, इसका ओमेगा का लिखोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर, ए नॉट का भी स्क्वायर होगा तो ए नॉट का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख लेते हैं। ये रहा क्या कैनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि आपको कैनेटिक और पोटेंशियल दोनों बातें क्लियर हुई, ये कैनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ एक और बात आपको पता होनी चाहिए, कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी मैक्सिमम होगी जब तब जब ये वन होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट। आई होप आपको ये क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट। सिमिलरली अगर मैं कैनेटिक एनर्जी मैक्स की बात करूँ, के मैक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हाफ एम, क्योंकि उस वक्त साइन की वैल्यू जीरो होगी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर। तो मतलब देखा जाए तो जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम की है वही वैल्यू कैनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम की है, तो दोनों की मैक्स मैक्स वैल्यू सेम है, अमाउंट सेम है। और एक वक्त जब ये मैक्सिमम पे है तो ये सपोज साइन 90 होगा तो कॉस 90 जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, यानी जब ये मैक्सिमम होगा तो ये जीरो और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये वाला जीरो। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी भी सबके सेम है। खैर मैथमेटिकली भी हम टोटल एनर्जी को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और इनकी मैक्सिमम वैल्यू आई होप आपने नोट कर लिया और समझ लिया। अब मैं इसको हटाता हूँ और फटाफट चलते हैं टोटल एनर्जी की तरफ इनको नोट करके। तो एक बार मैं इसको हटा दूँ। सो ये दोनों आपने पढ़ा, अब मान लिया आपसे पूछा जाए टोटल एनर्जी बताइए। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी इन दोनों का सम करने का वक्त है। अब इसमें देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है, तो इसको कॉमन अगर ले लें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम आपको पता है कितना होता है, वन, तो ये एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, यानी कि टोटल एनर्जी देखोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इस एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख सकते हैं, तो के ए नॉट का स्क्वायर, के कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। इसका मतलब साफ है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ना ये साइन का फंक्शन ना ये कॉस का फंक्शन, ये चेंज होगा साइन के अकॉर्डिंग ये कॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज फिक्स्ड अमाउंट होगी। और वो अमाउंट अगर आप ध्यान से देखें तो क्या टोटल एनर्जी ठीक इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम की, क्या ये ठीक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के, क्योंकि जब मैक्स की बात होगी उस समय काइनेटिक जीरो होगा, जब काइनेटिक मैक्स की बात होगी तो पोटेंशियल जीरो होगा, क्या ये टोटल एनर्जी के इक्वल है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम की वैल्यू के नॉट है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो के नॉट ही होगी दोनों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर ही होता है, क्योंकि एक वक्त जो मैक्सिमम होगा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा या उसके दूसरी एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये रही एनर्जी की दोनों के रिलेशंस और इनकी बातचीत। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इसमें क्वेश्चन एक तो ये वाला है जिसमें निकालना है, दूसरा इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी, तो ग्राफ बेस्ड चीज़ों को भी आपको ध्यान यहाँ रखना है। तो अब ग्राफिकल बातचीत जरा यहाँ डिस्कस कर लें। सो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ग्राफ में समझिए, मान लिया आपके पास एक तरफ रखना है आपको एनर्जी और दूसरी तरफ रखना है डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, और कैसा, स्क्वायर टाइम्स, यानी पैराबोलिक बनेगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
लेकिन ये ग्राफ किसका होगा, पोटेंशियल का या काइनेटिक का? तो आंसर इज पोटेंशियल का। अब आपने एक चीज और देखी कि टोटल एनर्जी का अमाउंट ऑलवेज कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब एक जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा, और इन दोनों का सम ऑलवेज कैसा रहना है, मतलब टोटल एनर्जी पी और के का सम है, तो जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे वैसे के घटेगा, उसी रेट से घटेगा, उसी फ्रेम से घटेगा जिससे कि इनका सम ऑलवेज क्या रहे, कांस्टेंट। तो मान लिया कि ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, कॉमन सेंस है कि उस वक्त काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम पे होगी, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा, और घटता घटता जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी आके कैसे हो जाएगी, जीरो। तो अगर आप इस ग्राफ को कंप्लीट करें तो यहाँ जैसे ये मैक्सिमम हुआ ये जीरो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का। अगर इसी डिस्टेंस के जगह वेलोसिटी आ जाता, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मींस 2015 में आप देखेंगे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, चार ग्राफ पूछा है, कहा इसमें से करेक्ट ग्राफ कौन है एनर्जी का। ऐसे ही 22-23 में जेई में भी, सॉरी नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ ग्राफ बेस्ड, उसमें खैर अलग अलग क्वेश्चन था, सिर्फ एक ग्राफ एनर्जी का था, कन्फ्यूजन नहीं थी उसमें, सीधा सीधा इसको देखना था, चूज कर देना था। लेकिन मेंस में इसी में और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे उन्होंने दे दिया था ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है। जैसे आपने यहाँ पोटेंशियल लिखा है, उन्होंने यहाँ काइनेटिक लिख दिया, और डिस्टेंस के साथ एनर्जी का रिलेशन बताइए, तो आप देखेंगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कौन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए अगर यहाँ डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस के साथ ये ऊपर जाने वाला ग्राफ कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और घटने वाला ग्राफ कैसा होगा, काइनेटिक। हाँ, इसी डिस्टेंस के जगह अगर वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी तो आपने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर के का फॉर्मूला। तो के क्या वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो के अगर वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला जो नीचे से ऐसा ग्राफ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। तो अगर यहाँ वेलोसिटी है तो ये ग्राफ है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो ये वाला ग्राफ सही है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, मेंस में दोनों ऑप्शन थे जिसमें से ये वाला चूज करना था, डिस्टेंस के साथ था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन एनर्जी में, और सिंपल ग्राफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछ ली जाती है कि टोटल एनर्जी का ग्राफ बताओ, जैसे आपने पोटेंशियल का बना दिया, कनेटिक का बना दिया, टोटल कितना? तो आप ध्यान से समझिए, टोटल के अमाउंट इतना है, क्योंकि अभी कनेटिक जीरो, सॉरी पोटेंशियल जीरो, कनेटिक मैक्सिमम, तो टोटल एनर्जी कनेटिक के बराबर हो जाएगी। अब कनेटिक में आपने सुना है कि कनेटिक घट सकती है, पोटेंशियल बढ़ सकता है, लेकिन इन दोनों का सम ऑलवेज कैसा रहना है, कॉन्स्टेंट, यानी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, और वो अमाउंट कनेटिक एनर्जी मैक्स के ठीक इक्वल होगी। यहाँ लिखा है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल, यानी वो अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की है तो ये वाली वैल्यू थ्रू आउट मेंटेन रहेगी। तो अगर आप यहाँ एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना दो एक एक्सिस के अबाउट, तो ये वैल्यू किसको शो करेगा, टोटल एनर्जी को, किसको शो करेगा, टोटल एनर्जी को। तो आप अगर चाहें तो टोटल एनर्जी का अलग से सेपरेट ग्राफ भी यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ पहले एक बार। अगर टोटल एनर्जी का पूछा जाता, मान लिया यहाँ होता टोटल एनर्जी और वर्सेस डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी कुछ भी होती, तो आप कहेंगे सेम, ये अमाउंट कितना होगा, हाफ के ए नॉट का स्क्वायर, यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर, ये अमाउंट ऑलवेज मेंटेन रहेगा। इस अमाउंट को आप यहाँ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला एनर्जी में तो वैल्यू वाइज क्वेश्चन पूछी जाती है, वैल्यू रख करके, दूसरा ग्राफ बेस्ड जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तीसरा इन दोनों का आपस में कंपेयर करके और भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंपैरिजन पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो एनर्जी के ऊपर ही है, इसको मैं हटाता हूं और एक क्वेश्चन करते हैं कंपैरिजन के ऊपर। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन मेंस 2019 का है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM एंड इट इज एट मीन पोजिशन एट टी इज इक्वल टू जीरो, एंड टाइम जीरो पे मीन पोजिशन पे है। नाउ फाइंड पोजिशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो पोजिशन बताना है, यानी एक्स की क्या वैल्यू होगी जिस वक्त ये दोनों एनर्जीज आपस में इक्वल होंगी। अब आप इसको बहुत ही मान लेते हैं, उस वक्त की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, मीन पोजिशन से उसके डिस्टेंस कहाँ मान लेते हैं एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपको बताइए कि टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी एक के बराबर, यानी टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ के एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट है तो ए नॉट का स्क्वायर, ये होगी टोटल एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स वैल्यू है, वही टी और वही के मैक्स के ठीक बराबर हो जाएगी। अब अगर मान लिया आपको ये यू पता है, अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, हाफ उस वक्त की, तो टोटल में से ये वाली पता है,
तो अगर टोटल में से ये मान माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही कनेटिक होगी उस वक्त की, यानी कनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ के ए नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गई कनेटिक एनर्जी उस पोजीशन के ऊपर। मान लेते हैं उस पोजीशन के ऊपर, वो पोजीशन एक्स है, तो उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, तो टोटल में से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा कनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में लिखा है कि पी के ई के बराबर है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक बराबर हो जाएगा हाफ के ए नॉट का स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आप हाफ 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 कैंसिल आउट कर सकते हैं, के एक्स स्क्वायर और ये माइनस के एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आपको पता ही है 2kx² हो जाएगा, 2kx² और विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ए नॉट का स्क्वायर। k से k गया यानी 2x² इज इक्वल टू ए नॉट, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए नॉट बाई रूट 2। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को सोचना था, टोटल एनर्जी की वैल्यू पता थी, उसमें से पोटेंशियल को लेट कर लिया, कनेटिक निकाला और दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी को कनेटिक इक्वल किया था, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेनी थी। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको कि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपको फ्लुएंसी आएगी। तो मैंने एक थोड़ा आइडिया दिया आपको एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है, किस किस तरीके की है, ग्राफ पर ध्यान दीजिए, फार्मूले पर ध्यान दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की लिंकिंग को ध्यान दीजिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में जो तीनों हमारा टॉपिक था, पॉइंट ऑफ कंसर्न था, सबसे पहले तो फोर्स लॉ के बारे में समझा, दूसरा एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड डेराइव किया और तीसरा एनर्जी के बारे में समझी, वो आई होप कि क्लियर हो गया। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में जिसमें हम लोग डिवाइसेस यानी एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके केसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो अगली चर्चा हम लोग करेंगे सिंपल पेंडुलम के ऊपर, फिजिकल पेंडुलम के ऊपर और सिंपल पेंडुलम के कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर, तो उसका SHM प्रूफ करेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं एग्जांपल लेक्चर्स के साथ जिसमें हम लोग SHM के एग्जांपल्स करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, मिलते हैं।